अगर आपको भी किसी तरीके का दृष्टि दोष है जिसे दूर करने के लिए आप नियमित रूप से चश्मा पहनते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। भारत में हुई एक नई स्टडी में ये बताया गया है कि जो लोग चश्मा पहनते हैं उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा 3 गुना कम है। इसका कारण ये है कि ज्यादातर मामलों में जब कोई व्यक्ति अपने वायरस से संक्रमित हाथों से आँख नाक मुँह को छूता है तो ये वायरस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। ऐसे में जब मुंह और नाक पर मास्क है और आंखों पर चश्मा लगा है तो चश्मा पहनने वाले लोग अपनी आंखों को कम छूते हैं और इसलिए उनके COVID-19 से संक्रमित होने का खतरा कम होता है। बेटर एक्सेप हेल्थ साइंसेज से जुड़ी दुनिया की मशहूर वेबसाइट है जिस पर भारत में हुई इस स्टडी को प्रकाशित किया गया है। उत्तर भारत के कानपुर स्थित एक हॉस्पिटल में ये स्टडी हुई जिसमें अनुसंधानकर्ताओं ने 304 लोगों को शामिल किया था। इसमें से 223 पुरुष और 81 महिलाएं थीं। इन सभी लोगों की उम्र 10 साल से 80 साल के बीच थी और इन सभी लोगों में COVID-19 के लक्षण देखने को मिले। स्टडी में शामिल 19% लोग ऐसे थे जो ज्यादातर समय चश्मा पहनते हैं। स्टडी में शामिल शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रतिभागियों ने औसतन हर घंटे में 23 बार अपने चेहरे को हाथ लगाया और अपनी आंखों को प्रति घंटे औसतन 3 बार। इस दौरान पाया गया कि जो लोग चश्मा नियमित रूप से पहनते हैं उनमें COVID-19 संक्रमण होने का खतरा 2 से 3 गुना कम था। स्टडी की रिपोर्ट के अनुसार दूषित हाथों से आंखों को छूना और रगड़ना इन्फेक्शन फैलने का एक अहम रास्ता हो सकता है। लंबे समय तक चश्मे का इस्तेमाल करने की वजह से बार बार आंखों को छूने और रगड़ने से रोका जा सकता है। इस बारे में कुछ डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं उन्हें कोरोना वायरस से बचने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। बीते साल 2020 में एक स्टडी प्रकाशित हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि चश्मा पहनने वालों को कोरोना वायरस के संपर्क में आने और संक्रमित होने का खतरा कम था। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।